हेलो गाइस, मैं हूं अरुण और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम लोग पाई और तो GUI ये जो मॉड्यूल है इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सा ट्यूटोरियल लेकिन ब्यूटीफुल, तो फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और फिर हम लोग चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर मेरा आपके मन में पहला सवाल ये आएगा, पाई ऑटो GUI यूज़ क्यों होता है? तो फिर इसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो फिर ये जो है यूज़ इसलिए होता है कि जैसे कि आपको कोई एक वर्क मिलता है जिसमें आपको एक ही प्रोसीजर करना पड़ता है, पहले एक बटन पे क्लिक करो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसे ही बार बार करते रहना जब तक तो कंप्लीट ना हो जाए। तो फिर अगर आप एक प्रोग्रामर है, आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो आपकी जगह काम कर देगा सिंपली और बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो फिर आप इसको कैसे बनाएंगे? तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग और मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो फिर मैं जो है आप कोई अपना फोल्डर चूज़ कर लेता हूँ और पूरे वीडियो में सबसे मुश्किल काम यही है एक फोल्डर चूज़ कर लेना। तो फिर मुझे मिल भी नहीं रहा कि मैं कौन सा फोल्डर चूज़ कर लूँ, तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ और फिर मैं ढूंढ ही रहा हूँ। तो यहाँ पर बना लेते हैं, शिफ्ट दबा के ओपन कमांड विंडो हियर, अपनी आईडी कोई भी खोल लीजिए और अपने एक सिलेक्टेड फोल्डर में खोल लीजिए। मैं तो ऐसे ही खोलूंगा। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर वो पाथ में एडेड है तो मैं फुल स्क्रीन करूंगा और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट फटाफट से बना लेते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा पाई ऑटो GUI.GUI.py। कहोगे दो बार आई क्यू लगा दिया मैंने, तो फिर एक हम उसूल होता है प्रोग्रामिंग का कि आप कभी भी पाइथन प्रोग्रामिंग में तो आप कभी भी किसी मॉड्यूल के नाम पे अपने प्रोजेक्ट का नाम मत रखिए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो फिर आप अलग से नाम रखिए, बहुत ही ईजी है, आप अलग से नाम रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग पाई ऑटो GUI को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ लगे पिप इंस्टॉल पाई ऑटो GUI, ऐसे आपका पाई ऑटो GUI इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बता रहा है, तो फिर यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। तो फिर मैं अपना एग्जिट कर ले गया और यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्या करना, सिंपली इम्पोर्ट पाई ऑटो GUI करेंगे। तो फिर मैंने एक पाई ऑटो GUI को इम्पोर्ट कर दिया। देखिए इसका फीचर मैं दिखाता हूँ, पाई ऑटो GUI.  माउस डाउन, इससे क्या होगा कि मैं माउस डाउन हो जाएगा। फिर मैं एक ड्राइंग करूँगा पाई ऑटो GUI.DragRel। अब इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट कौन कौन सा लेता है, एक्स ऑफसेट। तो फिर मैं 100 100 पिक्सल्स तक लाइन खींचूंगा, 100 एक्चुअली बहुत कम है। फिर मैं यहाँ पे कुछ बड़ी लाइन खींचूंगा, अबाउट 700। तो फिर और फिर वाई ऑफसेट 0, और फिर ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, फिर ड्यूरेशन जो है फ्लोट ये लेता है। तो फिर मैं इसको फ्लोट दूंगा, तो फिर 3.5। ठीक है, वीडियो 3.5 सेकेंड ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और तो फिर एक और चीज़ कभी भी मत भूलिए, अगर आप पाई ऑटो GUI के माउस डाउन कर रहे हैं तो ये माउस को कभी आप मत करना भूलिए, प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपना एक बहुत ही तोप जो है तोप EXE खोल लेना है। अब वो तोप EXE कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो फिर जितनी प्रोसेसेस कम हो सके मैं उतनी प्रोसेसेस कम करवाना चाहता हूँ। मेरा लैपटॉप का फ़ैन भी बहुत तेज़ चल रहा है, मतलब कि मेरा लैपटॉप के सेंसर भी हीट हो रहा है। तो मैं अपना सबसे तोप प्रोग्राम खोल लेता हूँ जो कि ये है, तोप सॉफ्टवेयर हमने खोल लिया है। इसका यूज़ तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका यूज़ तो मेरे ख्याल से 99.99% लोगों ने किया ही होगा, 0.01% वाले लग रहा है नया PC ही खरीदे हैं। तो फिर इसको फटाफट से रन कर देते हैं। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक गलती कर दी। सबसे पहले तो सबसे तोप चीज़ को लाना है प्रोग्राम हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग टाइम को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि जैसा है कि उसे पहुंचने में हम लोग को टाइम लगेगा। तो फिर time.sleep फॉर 3 सेकेंड, वीडियो 3 7.5 सेकेंड लंबी हो जाएगी, आई मीन 6.5 सेकेंड। तो फिर कुछ कर नहीं सकते, तो फिर देखिए अभी अभी क्या होगा। आपने देख लिया, तो जैसे क्या होता है कि ये पूरा का पूरा ड्रैग कर दिया मेरा माउस को। तो फिर अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा होगा। तो फिर क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन खींचता है, अगर मैं लाइन ऐसी खींचने की कोशिश करूँ तो फिर देख लीजिए, हालांकि मेरी ड्राइंग भी बहुत गंदी है। तो फिर चल जाते इतना मज़ाक कोई नहीं उड़ाएगा। तो फिर देखिए अभी आपको आगे करना है, तो फिर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग माउस डाउन जो है एक जगह पर लाएंगे। मान लीजिए मैं लाता हूँ इसको 60, देखिए एक्स और वाई एक्सिस अगर आप
मैथ जानते हैं तो फिर आप कोऑर्डिनेट्स से पढ़े होंगे। हमारे मेरे लैपटॉप में 0.0 इधर है, तो फिर इधर अबाउट 50.50 हो सकता है। आई मीन यहाँ पे 50.50 ऐसे ही 100.100 फिर 60.160 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि उसका एक्चुअली पैनल भी तो बहुत बड़ा होता है ना। तो फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू 540। मेरे मन में जो आया मैंने वो रख दिया। अब ध्यान रखिएगा कि आपका माउस व्हील बाहर नहीं जाना चाहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपका शायद माउस व्हील ऐसी ऐसी जगह चला जाए कि आपका प्रोग्राम में कुछ डिलीट हो जाए या फिर रिमूव हो जाए। तो फिर वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि चीज़ें जो आसान होती हैं वो कभी कभी खतरनाक भी हो सकती हैं। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा वाइल एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब तक एक्स 0 से बड़ा है तब तक मैं ये करूँगा, तब तक हम कांड करेंगे इसका। पाई आउट ऑफ जी यू आई डॉट ड्रैग रेल, तो फिर यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मैंने कर दिया, तो फिर यहाँ पे एक्स तक ये मूव करेगा। फिर ये कहाँ मूव करेगा, तो फिर जो है ये मूव करेगा पाई ऑटो जी आई डॉट ड्रैग रेल, फिर से करेगा कहाँ तक करेगा, इस बार 0.x तक करेगा, कॉमा 3.5, 3.5 सेकेंड कुछ ज़्यादा हुए, 3 3 सेकेंड का गैप देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 सेकेंड का गैप दिया, तो ये देखिए कुछ ऐसे बनाएगा, कुछ ऐसे ये बार बार बनाएगा। तो फिर यहाँ पे पाई ऑटो जी आई डॉट ड्रैग वेल, ये क्या करेगा फिर से बनाएगा, तो फिर ये माइनस एक्स जाएगा इस बार, यानी कि इसको पीछे जाना होगा, और ये 0 और फिर से 3 सेकेंड, और फिर यहाँ पे भी पाई ऑटो जी वाई डॉट ड्रैग रेल। ये सबसे मुश्किल शेप मैं बनवा रहा हूँ, और आप भी समझ जाइए कि कौन सा शेप है। अगर आपको मैथ आती है तो आप अभी तक समझ गए होंगे कौन सा शेप बनाने वाला है। तो फिर यहाँ पे मैं एक्चुअली कर देता हूँ, नहीं तो ये घूमता रह जाएगा लूप में। तो फिर यहाँ पे जो है मैं एक्स को अपडेट कर दूंगा, एक्स इज इक्वल टू 0 बस। तो फिर यहाँ पे मैं जो है प्रोग्राम में आ चुका हूँ, फिर यहाँ पे देखना है क्या होता है। देखिए खुद का खुद बना रहा है, मेरे कीबोर्ड की भी आपको आवाज़ आती होगी लेकिन इसमें नहीं आ रही क्योंकि ये खुद से बना रहा है। तो ये देख लीजिए एकदम सटीक प्रोग्राम देख लीजिए। तो फिर ये जो क्या बना दिया मैंने स्क्वायर वट एवर, तो फिर अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, तो फिर मैं यहाँ पे एक्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा जिससे कि एक्स जो है कम हो जाएगा। तो फिर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो है थोड़ा सा कम चला जाएगा। तो फिर एक्चुअली यहाँ पे नहीं करना था मुझे, एक सलीका होता है बनाने का। तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं एक्स को अपडेट करूँगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसके अलावा कि एक्स अपडेट हो जाएगा। अब प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार होने वाला है, अब देखिए क्या होगा अगला। जहाँ तक मुझे याद है तो फिर देखिए इसको ओवरराइट तो करना ही है इसको, तो ये ओवरराइट करेगा ही करेगा, अब देखते हैं क्या करेगा। मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ वही करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से देखिए अब लाइनिंग करना शुरू कर दिया इसने। अभी देखिए एक एक पिक्सल की गैपिंग देखिए इसको थोड़ा डार्क कर रहा है, तो फिर मैं अपना प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर सकता, और अगर ये ऐसे करता रहा तो फिर मुझे वीडियो ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं इसको कैंसिल करूँगा। अरे हट, देख सकते हैं कि कितना जिद्दी प्रोग्राम मेरा, तो फिर मैं अपना कैंसिल कर लूँगा सब कुछ। तो फिर प्रोग्राम को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि इसने एरर कर दिया, कहा कि माउस के साथ किसी ने छेड़खानी की है। तो फिर छेड़खानी तो बचपन से ही करते आए हैं। तो फिर यहाँ पे मैं फिर से अपना तो प्रोग्राम बंद करके थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, एक्स माइनस 10 कर दूंगा मैं इसको, और 10 नहीं, हाँ 10 ही करते हैं। अब देखिए क्या होगा, मजा आएगी, अब देखते जाइए। तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ प्रोग्राम के इसकी डिज़ाइनिंग करने का। तो फिर एक खुद के खुद अब डिज़ाइनिंग करना शुरू कर रहा है, मेरे ख्याल से 3 सेकंड का गैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो फिर देख लेते हैं। ये तो होना ही था, वैसे उतना बुरा डिज़ाइन भी मेरे ख्याल से नहीं बना रहा है ये, इतना एक्यूरेट तो शायद मैं कभी ना बना पाऊँ, वो भी पेंसिल लेके। तो मैं अपने प्रोग्राम को पता नहीं कैसे कैंसिल करूँगा, मुझे कोई फीचर डालना पड़ेगा जिससे मैं इसको कैंसिल कर सकूँ। बेकार है, चलो यार हट जाओ, मैं किसी को पता नहीं कैसे रोकूंगा।
तो फिर रुक गया। चलो ठीक, यहाँ पे जो है मैं सब कुछ ना लॉक कर दूंगा, तो ये डोंट सेव, तो फिर मुझे एक नया वो मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब क्या करना है कि मुझे ज़्यादा कैपिंग नहीं देनी है और फिर वीडियो भी लंबी नहीं करनी। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेकंड जो है एक करते हैं, 1 सेकंड का गैप। अब वैसा लोग कहेंगे 1 सेकंड में तो क्या मतलब कितना तेज देख पाओगे, तो फिर देख लेते हैं कितना तेज देख पाते हैं। तो ये जो है इसको करने के बाद पता है क्या करेगा, तो फिर यहाँ पे इसको करने के बाद आई मीन एक दो, तो फिर ये इसके बाद सब में मैं डाल देता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन और एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टेन, या फिर माइनस इक्वल टू टेन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी बताने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और अब देखते हैं, अभी मज़ा आएगी आपको, तो फिर अब देखते हैं। अब थोड़ा फास्ट हो गया मेरे ख्याल से, देख सकते कितना ब्यूटीफुली एकदम सही अलाइनमेंट से ये ड्राइंग कर रहा है। तो फिर इसी में लोग कहते हैं प्रोग्राम इतना सटीक बनता है। तो फिर देख लीजिए, एक पिक्सल का भी किया है गैपिंग नहीं छोड़ता, मतलब कि जिस पिक्सल पे इसको बनाना है वही पिक्सल पे इसको रन कर रहा है और ये पूरा पूरा डिज़ाइन बना दे रहा है। अब लोग कहेंगे वक्त के साथ स्लो क्यों हो रहा है, एक्चुअली मैंने टाइमिंग दी है इस कारण से ये स्लो हो रहा है। एक्चुअली अगर हम लोग इसको नॉन रखते हैं तो फिर ज़्यादा मज़ा आती है, देख सकते हैं। और ये जो है 0 हो गया, एक्स 0 हो गया, अब एक्स 0 हम लोग कम हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइनिंग अगर आपको अच्छी लगी तो बुरा लगा तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया प्रोग्राम को। तो फिर अब देखिए हम लोग क्या करने थे, इसके बाद तो सबसे पहले तो मैं आपको पिक्सल की गैपिंग जो है थोड़ी कम कर दूंगा। और टाइमिंग भी थोड़ी बढ़ा दूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कोई नहीं, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड का वक्त काफ़ी लग गया है। 7 सेकेंड, 7 बड़ा अच्छा नंबर होता है, लकी नंबर है। तो फिर 7 को चूज कर लेता हूँ और मैं तुरंत अपना पेंट ओपन कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे इसको रन कर देंगे, एक अच्छा सा कलर भी ले लेंगे। और देखो अभी रन करने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने इसको सब कुछ सही किया नहीं किया, मैंने सही नहीं किया। अभी पता है वीडियो बहुत लंबी रहेगी अगर मैंने इसको 2 नहीं किया तो। अभी देखिए मैं अभी आपको क्यों कह रहा था सुंदर डिज़ाइनिंग, अभी आपको समझ आ जाएगा, आपको शायद इसको चेक कर दिया जाए। तो फिर मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अच्छा सा कलर चूज़ कर लेता हूँ, मेरे फेसबुक तो रेडी है पर मैं ब्लू चूज़ करूँगा मेरा मन। अब मैंने सब कुछ चूज़ कर लिया है और इसने स्टार्ट कर दिया बनाना। देख सकते हैं आपको बोर लग रहा होगा लेकिन मज़ा भी आ रहा होगा। देखिए पहले कितना सेटिस्फाइंग ये बना रहा है, एक एक सेकेंड का गैप लेके, तो फिर बहुत ही अच्छे से बना रहा है, इतना एक्यूरेट कोई नहीं बना सकता जो वीडियो देख रहा है वो भी। तो मेरा प्रोग्राम जो है बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग कर रहा है और फिर मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है देखने में, एक्चुअली बहुत सेटिस्फाइंग है ऐसे ये ड्रॉ करता है। ऐसे आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि एक एक पिक्सल अगर गिनने बैठ गया तो क्या बोलूँ मैं।
अभी आप सेंटर में देखिएगा कितनी ब्यूटीफुली ये रुक जाएगा बीचों बीच इसके, तो फिर रन होता ही रहेगा ये जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। बहुत स्लो चल रहा है तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, वो तो बोरिंग लग रहा है। मेरी मानो वीडियो को 2x मीन 2 गुना फास्टर करके देख लीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन आता है, तो फिर 1.5x जितना आपका स्पीड तेज़ हो सके उतना तेज़ करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है मेरे ख्याल से इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से। अगर मैं टाइमिंग 0 कर देता तो भी अच्छे से बना देता ये, शायद गलत किया मैंने 1 सेकंड देखिए। तो फिर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग कितने अच्छे से बना रहा है, एकदम डिटेल्स पे काम कर रहा है, तो फिर डिटेल पे काम करता ही जा रहा है और वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो फिर देख सकते हैं कि एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा अब स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये 1 सेकंड 1 सेकंड का गैप देगा, तो फिर मैंने गलत किया और मुझे यहाँ पे 0 सेकंड करना था मेरे ख्याल से। तो मैं वेट करता जा रहा हूँ कि कभी कंप्लीट करे इसको, तो फिर कंप्लीट तो कर ही रहा है धीरे धीरे, मुझे बोर हो रहा है। तो मैंने गलत जगह माउस कर दिया, पूरा प्रोग्राम मेरा ख़राब हो गया, देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया है। देखें सकते हैं कंट्रोल जेड करके शायद ठीक कर सकते हैं। और तो फिर मैं जो हूँ देख सकते हैं मैंने विंडोज़ से जूम कर दिया है, और अब देख सकते हैं कितना डिटेल पे इसने काम किया है, बस थोड़ा सा बच गया था शायद से मैं इसको कम्प्लीट कर लूँ। ओप्स बहुत गंदी डिज़ाइनिंग मेरी, सॉरी। तो फिर यहाँ पे मैं अपना ये कैंसिल कर दूंगा और फिर अपनी टाइमिंग को इनक्रीज़ कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब मुझे पसंद नहीं आ रहा। I mean, आप जान गए होंगे कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं फिर से इसको रन करूँगा। वीडियो आपको देखना है तो देखिए, मैं मना नहीं करने वाला। तो फिर मैं इसका 0 कर देता हूँ और फिर देखते हैं कितना इन्जॉय मिलता है हम लोग को, कितना इन्जॉय कर सकते हैं इस वीडियो को। वीडियो जो है सेटिस्फाइंग है, और फिर मैं इसको बंद कर दूंगा जिससे कि मैं जब नया बनाऊँ तो फिर टाइमिंग थोड़ी सी मुझे मिल जाए। तो फिर मैं जो है इस बार रेड से बनाऊँ क्या, तो मैं यहाँ पे रेड को मैंने चूज़ कर लिया, रेड मेरा फेवरेट है ना, तो फिर मैं यहाँ पे इसको रन कर दूँगा और फिर मैं पेंट में वापस से आ जाऊँगा। अब देखते हैं, तो फिर वीडियो जो है मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है, तो ये जितना टाइम कम ले सकता है अभी उतना कम टाइम लेगा। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। गड़बड़ तो होनी थी ऐसे, तो
कुछ कर भी नहीं सकते, तो फिर पूरी वीडियो जो है मेरी ख़राब हो गई। तो फिर मैं जो वहाँ पे जाके न्यू कर लूँगा, डोंट सेव, और फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको जो है, इसको मैं नीचे ले आऊँगा। या दिस इज़ बेटर नाउ। और इसको जो है मैं इधर ले आऊँगा, जिससे कि आप भी देख सकेंगे कि ये कैसे डिटेल में बना रहा है। मैं डिटेल के लिए सब करता हूँ, आप देख सकेंगे कि कैसे आखिर ये मेरा प्रोग्राम बनाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं वापस इसको रन करने वाला हूँ, और पता नहीं मेरा विजुअल स्टूडियो कोड काम भाग गया। तो फिर यहाँ पे मैं इसको रन कर दूँगा वापस से। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, कलर सिलेक्टेड ही है। तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर ये माउस एक ही जगह पूरा फिगर ही अलग हो रहा है। ऐसा क्या ये नाच रहा है? वीडियो लंबी हो चुकी है और मुझे अब इसे खत्म करना है। तो फिर देख सकते हैं इस पर कितना डिटेल इसने काम कर दिया है। फिर अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और वीडियो भी अब ख़त्म करते हैं हम लोग। क्या करें, आप समझ गए होंगे इसका यूज़ कितना मज़ेदार है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग इसने कर दी है। और अगर मैं पेंट का ऑप्शन चूज़ कर लूँ तो फिर देखता क्या। तो देखिए ये टाइम ले लिया, क्योंकि इसने, ये जानता है कि इसमें ये इसको डिटेल में काम करना पड़ जाए तो फिर पेंट भी थोड़ा स्लो हो जाता है, ये इतना अच्छा प्रोग्राम है। तो फिर मैं अब वीडियो का स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, और आपको अगर मॉड्यूल भी समझ आ गया तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप हेल्दी एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस।